डियर फ्रेंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर पे अब हम देखते हैं मोदी कल्याणी एंड मिलर अप्रोच। और मोदी कल्याणी एंड मिलर अप्रोच जो है आपकी दो वर्जन्स में इन्होंने प्रेजेंट की है। एक वर्जन वन है जहां ये मानते हैं कि परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट है और वहां कोई टैक्सेस जैसी व्यवस्था नहीं है, मतलब सरकारें वहां टैक्सेस नहीं चार्ज करती हैं, टैक्सेस नहीं इम्पोज करती हैं, तो उस केस में आपकी ये वर्जन वन चलेगा। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा तो शायद ही कोई इकोनॉमी हो जो टैक्सेस चार्ज ना जहाँ किए जाते हो, तो रियल वर्ल्ड में ये थ्योरी आपकी वर्जन वन नहीं चलेगा। रियल वर्ल्ड के लिए वर्जन सेकेंड इनका वो काम करेगा जहाँ इन्होंने टैक्सेस का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इस थ्योरी को आप ऐसे कह सकते हैं, जब ये वर्जन वन की अगर बात करें, विदाउट टैक्सेस की अगर बात करें, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है उसको रिजेंबल करती है, उसके जैसी है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इरेलेवेंट मानती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को इरेलेवेंट मानती है वैल्यू ऑफ द फर्म को लेकर, कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज के करने से। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे जितना डेप्ट इन्फ्यूज कर लो, इंक्लूड कर लो, डेप्ट कंपोनेंट बढ़ाने घटाने से कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई फर्म आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज ये थ्योरी भी मान रही है। हम दो प्रपोजिशन के जरिए इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ये एक जो वर्जन वन है, एक परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट में चलेगा, और परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट के फीचर्स आप जानते ही हैं कि वहां कोई टैक्सेस नहीं होते, वहां कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती। अगर आप शेयर्स या सिक्योरिटीज कोई इश्यू करते हैं तो उनको फ्लोटेशन पे, मतलब इश्यू करने पे कोई ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आपको खर्चा नहीं आता है। तीसरा, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको नहीं आती है जब आप शेयर बॉन्ड वगैरह कोई सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं। और सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट में बराबर रूप से इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचती है, सबके पास बराबर इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह की कुछ फीचर्स या एजम्पशंस इस थ्योरी की आप मान लेंगे, ठीक है। परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट के जो फीचर्स हैं वही इसकी एजम्पशंस हैं। और सबसे बड़ा चीज कि यहाँ टैक्सेस को इन्होंने नकारा है कि टैक्सेस नहीं है इकोनॉमी में, तभी आपका ये वर्जन वन काम करेगा, चलेगा। अब टैक्सेस नहीं है, दैट मींस आपको डेब्ट का जो सबसे बड़ा फायदा है, क्या डेब्ट का फायदा होता है कि जो इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेब्ट पे इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पजेस। जब टैक्स लायबिलिटी हम फर्म की कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो इंटरेस्ट इसने पे की है डेब्ट पे, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। ये डिडक्टिबल एक्सपेंस है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे इसके रेवेन्यू में से, और उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स भरेंगे। दैट मीन्स टैक्स लायबिलिटी आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी इस इंटरेस्ट पेड को डिडक्ट करने के कारण। तो वो फायदा एक फर्म को मिल सकता है अगर टैक्सेस हों, लेकिन यहां थ्योरी करिए टैक्सेस आर नॉट देयर, तो ये फायदा इन्होंने नकार दिया। टैक्सेस आएंगी तो ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस, ये आपको फायदा नहीं मिलने जा रहा है। सो कह सकते हैं कि आपका ये फायदा अगर नहीं मिल रहा है डेब्ट का, तो डेब्ट को बढ़ाने घटाने से कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई फायदा आपको नहीं होगा, है ना। मेन फायदा उन्होंने नकार दिया क्योंकि टैक्सेस नहीं है मार्केट में, इकोनॉमी में। तो ये थ्योरी कहती है प्रोपोजिशन वन कि वैल्यू ऑफ लेवरेज फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फॉर्म। एक फर्म जो डेब्ट लेके चल रही है, लेवरेज का इस्तेमाल करके चल रही है, उसकी वैल्यू और एक ऐसी फर्म जो लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर रही है बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म जब हम डिटरमाइन करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक फर्म की जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जान के
उनके आधार पे उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं किसी फर्म की। अब फ्यूचर कैश इनफ्लोज पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने जा रहा है डेब्ट के इस्तेमाल करने से या ना करने से। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट ह्यूज क्वांटिटी में ह्यूज अमाउंट में अगर यूज कर भी लें तो भी आपको कोई फायदा फ्यूचर कैश इनफ्लोज के रूप में नहीं मिलेगा, उनमें कोई इजाफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट का फायदा जो आप मानते हैं वो आपको नहीं मिलने जा रहा है और उससे आपके जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं वो बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर ये इस तरह से आप टैक्स लायबिलिटी अपनी घटा लेते तो शायद वो बढ़ जाते, लेकिन अभी टैक्स लायबिलिटी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डेब्ट के कारण, क्योंकि टैक्सेस हैं ही नहीं, तो आपके फ्यूचर कैश इनफ्लो जो आने हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने जा रहे हैं डेब्ट के बढ़ाने से या घटाने से। ठीक है, तो ऐसे करके एक लेवरेज्ड फर्म का वैल्यू जब आप डिटरमाइन करेंगे उसके फ्यूचर कैश इनफ्लोज के आधार पे वो बराबर होगी एक अनलेवरेज फर्म के वैल्यू के। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कैश इनफ्लोज आर नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज्ड ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट विल नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट इन योर फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो डेब्ट के कारण कोई फायदा आपके फ्यूचर कैश इनफ्लोज में नहीं होने जा रहा है, उनमें कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। दैट मींस वैल्यू ऑफ द लेवरेज फॉर्म विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द अनलेवरेज फॉर्म, सिंपली। ठीक है, दूसरा चीज इन्होंने कहा कि अगर आप डेब्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है यहां रखा है, और डेब्ट का पोर्शन बढ़ने से डेब्ट कंपोनेंट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ने से आपकी वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी, ये क्या है, वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी, इसका वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेब्ट अमाउंट। आपका जो इक्विटी की या लेवरेज्ड इक्विटी की कैपिटल है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द लेवरेज्ड इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डेब्ट और डेब्ट इक्विटी रेशियो। आप डेब्ट अगर बढ़ाएंगे, डेब्ट कंपोनेंट अगर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लेवरेज इक्विटी बढ़ जाएगी। दैट मींस वही सारी चीज आप जो देख रहे थे उसके केस में आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के केस में क्या था कि आपका डेब्ट सस्ता है, आप डेब्ट की अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं या अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपकी इधर कॉस्ट है, और ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी इस तरह से बढ़ रही थी। मतलब कहने का ये था कि जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाते हैं सस्ते डेब्ट का फायदा आपको मिलना चाहिए था और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरनी चाहिए थी, लेकिन नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसी रेशो में, मतलब जैसे आपने डेब्ट बढ़ाया वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। दैट मीन्स आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो आपकी कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल नहीं घट रही है। क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि जैसे ही आपने डेब्ट बढ़ाया तो इक्विटी होल्डर्स जो हैं या कहेंगे ओनर्स जो हैं, इक्विटी कैपिटल जिन्होंने प्रोवाइड किया है, वो फर्म में एक फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता हुआ एज्यूम करेंगे, परसीव करेंगे, और वो बढ़े हुए डेब्ट के कारण अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाते चले जाएंगे, और इस कारण आपकी कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, कोई कमी उसमें नहीं आएगी सस्ते डेब्ट के कारण। सस्ते डेब्ट के कारण जो फायदा मिला वो बराबर हो गया, ऑफसेट हो गया आपकी इक्विटी की कॉस्ट के बढ़ने के कारण। सो ये आपकी कॉन्स्टेंट बनी रही, कोई फायदा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में आपको नहीं मिल रहा है।
तो यही चीज दूसरी प्रपोजिशन ने यहां एक्सप्लेन की कि कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी हैज ए डायरेक्ट रिलेशन या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डेट। और बाकी चीजें यहां इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लेवरेज इक्विटी, कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, ये कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज, अनलेवरेज्ड इक्विटी। तो ये प्रपोजिशन भी आपकी कह रही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप डेप्ट बढ़ाएंगे, सिंपली, ठीक है। और आपका ओवरऑल कोई फायदा कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपको नहीं मिलेगा।